पूर्वक देना चाह रहे। Brace yourselves for the big red monster. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from parts unknown. Weighing in at 323. One of the most dominant destructive forces in the history of WWE. Multiple world and tag team. He is the alpha male of our species. Lesnar looking to dominate. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds. The Beast Incarnate has been involved in some of WWE's. तो फाइनली गाइस मैच होने जा रहा है ट्रिपल थ्रेट रॉयल रंबल के मंच पे ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस केन वर्सेस बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है शुरू और देखना ये होगा कि तीनों रेसलर में से कौन जीतेगा। नो ब्रॉक लेसनर यहाँ पर केन को घसीटते हुए ले गए कॉर्नर के अंदर और ये क्या हेड मारते हुए उनके स्टमक पे दोनों ब्रॉन स्ट्रोमन आ गए ब्रॉक लेसनर को फेंक दिया और ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉन स्ट्रोमन मॉन्स्टर अमंग मैन अपनी पावर दिखाते हुए दोनों रेसलरों को धराशायी कर दिया है और एक चेस्ट ड्रॉप किक ब्रॉन स्ट्रोमन ने दे दिया क्लोज लाइन केन को और दोनों रेसलर को कर दिया चित। ब्रॉक लेसनर एफ5 की कोशिश ब्रॉक लेसनर काउंटर नी टू फेस और ब्रॉक लेसनर ने यहां पे कमबैक किया और एफ5 की कोशिश ब्रॉक लेसनर की तरफ से जैसा कि देखा जा रहा है कि ना चुके और ये दे दी चॉक स्लैम यहां पे चॉक स्लैम कनेक्ट कर दिया है और दोनों ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉन स्ट्रोमन केन को कॉर्नर में घसीटते हुए और ये हेडबट देखना ये है इस मैच में कौन जीतेगा ब्रॉन स्ट्रोमन या केन या ब्रॉक लेसनर कौन ले जाएगा यूनिवर्सल टाइटल और रिकवर किया चॉक स्लैम देने की कोशिश नो ये क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पे कैंडो स्टिक मारते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन काउंटर व्हाट अ काउंटर यह रिंग से बाहर कर दिया है ब्रॉक लेसनर को और केन पर हावी हो चुके हैं ये ब्रॉन स्ट्रोमन इनको भी रिंग से बाहर कर चुके हैं ये दोनों रेसलरों को बाहर कर दिया है केन और ब्रॉक लेसनर को ब्रॉन स्ट्रोमन ने रिंग के आउटसाइड अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉक लेसनर को धाराशाही करते हुए और ये क्या काफी ज्यादा इंजरी हो सकती है इस मूव में ब्रॉन स्ट्रोमन ने यहाँ पर और ये क्या ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर स्टेप मारते हुए केन के मुंह पर इससे इन्हें बहुत इंजर हुआ और ब्रॉक लेसनर को भी और रिंग के अंदर यहाँ पर ताकत दिखाते हुए देखिए ताकत ब्रॉन स्ट्रोमन की दोनों रेसलर को अकेले संभाल रहे हैं जे केन को उठाया ब्रॉन स्ट्रोमन ने और रिंग के अंदर धकेल दिया है रिंग के अंदर जाते हैं रिंग के अंदर भी आ चुके हैं रिंग के अंदर यहाँ पे स्टेप्स लगा रहे हैं यहाँ पर स्टेप सेट सॉरी स्टेप नहीं सॉरी टेबल नो केन चोक स्लैम ब्रॉन स्ट्रोमन काउंटर चोक स्लैम यहाँ पर रिवर्स करके उल्टा ही चोक से कवर वन टू किक आउट नहीं सॉरी ब्रेक कर दिया यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉक लेसनर ने तो ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी पहुंचा दिया है ब्रॉन स्ट्रोमन को जैसा कि लग रहा है सुप्लेक्स देना चाह रहे हैं जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया है ब्रॉक लेसनर ने
देखते हैं एक और के लिए जाएंगे ये। एक और बार ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर। रिंग में से भी इनका दबदबा चल रहा है ऐसा लग रहा है। सेट करते हुए नो ब्रॉन स्ट्रोमर, लुक एट दिस, ओह माय गॉड। और ये टावर स्लैम दे दिया टेबल के ऊपर, स्मैश कर दिया कवर, 1 2 और ये कर दिया केन ने, ब्रेक कर दिया केन ने आके कवर। यहाँ पर न्यू चैंपियन बन सकते थे यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन, पर केन ने आकर बचा लिया। और चोक स्लैम की तैयारी, खैर लुक एट दिस चोक स्लैम ला दिया केन ने, कनेक्टेड कवर, 1 2 अनदर। यहाँ पर एक और बार ब्रॉक लेसनर बचाते हुए, और जैसा कि उठाया ब्रॉक लेसनर ने केन को एडवांस देने की कोशिश, ब्रॉक लेसनर क्या आ सकता है, कनेक्टेड धाराशाही हो चुके हैं कि क्या रिटेन करेंगे चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर। नो कवर होने से पैच जर्मन, ये लोग ये क्या अपनी ताकत का पूरा फायदा उठाते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉन स्ट्रोमैन नाइस मूव, जर्मन सुप्लेक्स दे दिया है वो भी पिन में। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अभी भी हार नहीं मानी है, पर मुझे लगता है इस मैच को रिटेन करेंगे ब्रॉक लेसनर, वो सॉरी चैंपियनशिप। तुम्हें क्या लगता है विष्णु कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर का लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं, बट अभी जो है पावर स्लैम की कोशिश, यहाँ पर अभी पल्ला भारी है ब्रॉन स्ट्रोमन का। ब्रॉक लेसनर F5 लगाने की कोशिश, काउंटर करा टेबल के ऊपर ब्रॉक लेसनर ने, स्मैश, और ये क्या टेबल उठाकर ब्रॉक लेसनर पावरिंग, टेबल यहाँ पर पलट दी है ब्रॉन स्ट्रोमन पीछे से केन के ऊपर। नो केन केन ने फायदा उठाया चोक स्लैम की कोशिश, नो ब्रॉक लेसनर, ब्रॉक लेसनर, और ये टेबल यहाँ पर टेबल स्मैश कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम ब्रॉक लेसनर, दोनों रेसलर रख दिया पैर और ये रगड़ दिया है मुंह पर। ये देखना गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए ब्रॉक लेसनर ही रिटेन करेंगे अपनी चैंपियनशिप, देख लेना। तुम्हें क्या लगता है करण कौन जीतेगा इस मैच में? चाहे कितना भी मार ले केन को ब्रॉक लेसनर, पर केन करेंगे अपनी वापसी इस मैच के अंदर। देखना यह होगा कि कब करते हैं काउंटर। सेंस आपको क्या लगता है इन तीनों रेसलर में से कौन जीतेगा? ब्रॉक लेसनर का कितना भी पल्ला भारी हो पर न्यू चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन ही बनेंगे, देख लेना। आपको क्या लगता है विष्णु भाई क्या होगा? मुझे लगता है कि कोई भी जीते सकती, पर ये क्या काफी ज्यादा शानदार मूव था ये, बट मुझे ये लगता है कि तीनों रेसलर में से कोई भी जीते, बट ये मैच जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और होगा भी। ये मैच अभी तक तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं केन एंड ब्रॉक लेसनर ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये क्या दीवारों पे मारते हुए ब्रॉक लेसनर, ये नहीं हो सकता, और ये झाड़ियों में घुसेड़ते हुए ब्रॉक लेसनर केन को, और ये जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ। देखना ये हुआ अपनी ताकत का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए ब्रॉक लेसनर को कर दिया रिंग के अंदर। ये मॉन्स्टर है ब्रॉन स्ट्रोमन, मॉन्स्टर मंक मैन के जान नाम से जाने जाते हैं, पर केन हमारे मॉन्स्टर कहाँ रह गए, और लुक एट दिस पावर स्लैम लगा दिया है ऊपर ब्रॉक लेसनर। ये क्या किस तरीके से उठ रहा है पावर स्लैम में, ये एक फिनिशर मूव है, रनिंग पावर स्लैम लगा दिया ब्रॉन, ऐसा लग रहा है ब्रॉक लेसनर बहुत इंजर्ड होते हुए, पर ये मैं मान ही नहीं सकता कि ब्रॉक लेसनर उठ रहा है, और ये केन और एक चेयर मारते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन को, अनदर, यहाँ पर चेयर मार के रिंग के आउटसाइड कर दिया और फेंक दिया है, और टूमस्टोन पाइल ड्राइवर का एक्शन, द केन आ सकता है टूमस्टोन, नो ब्रॉन स्ट्रोमन उतरे फिर ब्रॉक लेसनर उतरे, और ये क्या ब्रॉन स्ट्रोमन टकराते हुए ब्रॉक लेसनर ने लिए कंधे पे केन को, और ये F5 लगाने को F5 कनेक्टेड
Brock Lesnar. Pin karenge. Retain the championship. 1, 2, 3. Incredible match. Pure chaos, pure carnage. The entire ringside area has been destroyed. I'm the beast incarnate Brock Lesnar. But Brock Lesnar remains your universal champion. And Brock Lesnar still the champion. Talk about the monster, but the beast definitely.